नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, यह पवार पंचायत है और पवार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष मुना कुमार राय जी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं, बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले इनसे ये जानते हैं कि इनके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे इनके मन में पैक्स अध्यक्ष का डायरेक्ट उम्मीदवार या पैक्स अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं, चुनाव जीते हैं, तो कैसे इनके मन में ख्याल आया, क्या क्या कमियां पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा इनको देखी और कैसे इनको जनता ने उत्सुक किया कि नहीं आप चुनाव लड़ें, क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। सर, हमारे मन में आया कि किसानों के यहाँ बहुत तकलीफ था। किसान को नहीं धान का खरीद हो रहा था, नहीं समय से राशन गरीबों को मिल रहा था, इसलिए हम चुनाव में आने के लिए हमको जनता जागरूक किया, हम चुनाव में आए। अच्छा, जानना चाहेंगे मुना जी, चूँकि आप एक नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ पहले से पैक्स अध्यक्ष द्वारा हो सकता है कि क्रिएट की गई है, तो किसानों के बारे में आपने क्या सोचा है, चूंकि आपको किसान ने बड़ा विश्वास और उम्मीद के साथ जीता है। जी, किसान के बारे में हमने यही सोचा कि यहाँ के मेरे पंचायत के किसान को 4 साल से धान खरीद नहीं हो रहा, सारी स्थिति मैंने एकदम बंद थी, मैंने पैक्स में किसी तरह का किसान को न धान न खाद न चावल न गेहूँ, सारी सिस्टम बंद हो गया था। तो किसान लोगों ने जागरूकता किया और हमको कहा कि भाई आप पैक्स में चुनाव लड़िए, पूरा हम किसान को मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हमारा जो पैक्स है सुपरसीड है और चयनित नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग डीएम साहब के पास जाकर मिले हैं कि सर हम लोग को भी चयनित किया जाए। ऐसे बहुत किसान, बहुत उम्मीद से हमको किसान लोग जिताया है ताकि हम अच्छा ढंग से इस कार्य को कर सकें। जानना चाहेंगे कि अभी जो आपकी कार्य प्रणाली रहे, जो भी आपका चुनाव हुआ, इसमें कितने लोग आपके विपक्ष में खड़े थे? इसमें हमारे विपक्ष में कहीं जो पहले से अध्यक्ष थे वही थे। किसानों के क्या लगता है कि किसानों को सरकार द्वारा जो व्यवस्था मुहैया की जाएगी वो सारा चीज किसानों तक तो पहुंचेगा, ये विश्वास? जी जरूर, पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं कि किसान के माने 100 से 1 किलो तक माने जो भी धान का खरीद या कोई भी किसान का रहेगा वो किसान तक पहुंचेगा, उसमें किसी तरह का कमी नहीं होगा। आपके जन वितरण प्रणाली की भी सुविधा पंचायत में है? जी हमारे माने समिति में पंच जन वितरण का भी सुविधा है, लेकिन अभी उनका ऑडिट नहीं हुआ है इसलिए कार्य बाधित है, अभी वो उठाए हैं, इसके बाद दूसरे जगह वो एक डीलर के पास ट्रे हुआ है, हमने अपने पूरे माने कागज पत्र में लगे हुए हैं और मैंने जहाँ तक अब देखते हैं कि जनवरी तो सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं? सरकार से सर सहयोग यही चाहते हैं कि पूर्व के जो अध्यक्ष हैं उनसे ऑडिट करा कर हमको सारी मैंने कार्यभार चार्ज दिया जाए, तब ना हम कार्य में लगेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख रहे हैं हमारी बात हो रही है मुना कुमार राय जी हैं, जो कि ये पवार पंचायत के नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं और यहाँ के किसानों ने इनके कुशल व्यवहार और कर्मठता ईमानदारी को देकर इनको पहली बार जिताया है। मैं आपको बता देता हूं कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव और वो भी कोई नया प्रत्याशी निकाले, ये लोहे के चने चबाने के बराबर होता है, क्योंकि जो पहले से पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो लोगों में पता नहीं किस तरीके से अपने सदस्य बनाते हैं और क्या क्या उसमें प्ररूप होता है। जो एक बार पैक्स का चुनाव जीत जाता है वो बार बार जीते जाता है, कोई नया प्रत्याशी जीत के और आए, नवनिर्वाचित होके आए, तो ये समझिए कि लोहे के चने चबाने के बराबर है। मुना राय जी ने करके दिखाया, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनका नेतृत्व आम आवाम किसानों को अच्छा लगा है, यहाँ के मजदूरों को अच्छा लगा है, यहाँ की आम आम जनता को अच्छा लगा है। इनकी कुशल व्यवहार, इनकी कर्मठता और ईमानदारी रंग लाई और इनको किसानों ने अपना नेता चुना, और हमें जहाँ तक विश्वास है कि मुना राय जी निश्चित तौर से किसानों के सही मायने में नेता बनकर दिखाएंगे, किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अभी तो ये नए हैं, बहुत सारी चीज़ इनको जानना है, समझना है, लेकिन हमें विश्वास है कि जब किसानों ने कुछ अधिकार समझा है, इनको नेता बनाया है, तो निश्चित तौर से एक अच्छे व्यक्ति होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ, थैंक यू।